नमस्कार, मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से, और आप लोग के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, दोनों जगह पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी को आज अपना लोग अच्छे से सीखेंगे। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़ करके और अपना कॉपी किताब निकालें और देखें इसको, अपने से लिखना भी है, समझना भी है क्या चीज है, इसी को ध्यान से देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, क्या चीज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, लो देखो, यहां से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसी का नाम क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चा इसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया। चलो, सबसे पहला चीज किसको कहते हैं, वही क्वेश्चन यहां पर लिख दिए। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? यही लिखना। पहले इसी को समझ लेते हैं। तो देखो जा सब बच्चों इधर, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो उसमें ऐसा हो कि ए टू दी पावर कितना, वन होगा। आर बराबर के ए हो गया। अगर कंसंट्रेशन या सांद्रता एक रख दो तो रेट हो जाएगा कितना, के दो रख दो तो रेट हो जाएगा के इंटू टू, टू के। तीन रख दो सांद्रता या कंसंट्रेशन तो रेट भी हो जाएगा थ्री के। एन रख दो तो एन के। मतलब ये क्या देख रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन दोगुना कर दिए तो रेट भी के से टू के दोगुना हो गया, इसको तिगुना कर दिए तो रेट भी थ्री के तिगुना हो। मतलब जितना टाइम्स हम लोग ये सांद्रता को कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को, रेट भी उतना गुना हो जा रहा है। अगर ऐसा है तब समझ लेंगे वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का। मतलब जितना टाइम्स हम लोग किसको करेंगे, कंसंट्रेशन को, रेट भी उतना ही टाइम्स हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का। पहले डिफिनेशन लिख देंगे कि यदि कंसंट्रेशन को एन गुना करने पर, एन टाइम्स करने पर, रेट भी कितना टाइम्स हो जाए, एन टाइम्स, तब वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का। लिखे बच्चों इसको, तो देखिए ऐसा लिखते हैं इसे, इफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स एन टाइम्स बाई चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एन टाइम्स, देन रिएक्टेंट एन टाइम्स देन इट इज, तो यह कहलाएगा क्या चीज, देन इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तब यह किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर, यदि अभिकारक का सांद्रता, यदि अभिकारक का सांद्रता एन गुना करने पर, का सांद्रता एन गुना करने पर अभिक्रिया का दर भी एन गुना हो जाए तो इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। चलो बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन।
अब देखो इसका एक एक्सप्रेशन आप लोगों में पूछता है, रेट कांस्टेंट का, बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में तो पूछता ही है, और आपके अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसमें क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर पूछेगा जो कि अपन लोग डराइव करेंगे, उसमें एक्सप्रेशन जल्दी नहीं दिखता। चलिए अच्छा, तो हम लोग पहले सीख लेते हैं उसको। है सीखने के लिए दो तीन चीज का जरूरी पड़ेगा, एक इसका डीएक्स का इंटीग्रेशन, पीछे पढ़े हैं हम एक बार दोबारा कर दे, डीएक्स वाई एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, एल एन एक्स, एल एन भी समझते होंगे, लॉग में बेस क्या हो, ई है, बेस ई को 10 में बदलना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, अब देखो बच्चों एक काम और करते हैं, एक ऐसा भी चीज पढ़ते थे, लॉग में भाग वाले को कैसे लिखते हैं, घटाव के रूप में, अगर रिएक्शन ऐसा हो तो इसके लिए रेट लिखने के लिए जानते थे, -1/1, dA/dt, माइनस काहे लगा तो रिएक्टेंट है, 1/1 काहे हुआ, कुछ नहीं है तो 1 है तो उससे डिवाइड कर, ये फर्स्ट क्लास में ही अपना लोग सीखे हैं या सेकंड क्लास, कैसे लिखते हैं एवरेज रेट, बराबर +1/1 dB/dt, प्रोडक्ट है इसीलिए कौन सा चिन्ह लगा प्लस का, तो ये सब चीज अपना लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसी का हम लोग यूज भी करेंगे। चलिए तो ये डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, अब उसके एक्सप्रेशन पर आते हैं, मेन चीज पर बच्चों, वही मेन अपने लोग को आज सीखना है, सबसे मेन काम वही। चलो तो अब देखते हैं, ऐसा उसमें क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द, ऐसे यहां पर लिख रहे हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या हिंदी में क्या लिख लोगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताएं, व्यंजक बताएं। चलो बच्चों इसी को आज अपने लोग को अच्छे से सीखना, इसी पर थोड़ा ध्यान दे करके देखेंगे सीखेंगे। सबसे पहले देखो करते क्या है, लेट मान लिए ए टू बी इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लिए ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, या लिखते माना कि ए से बी एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया, जब समय जीरो हो शुरुआती समय, तो उस टाइम मान लिए रिएक्टेंट है कितना, ए है, ठीक, या इसी का नाम ऐसे रख दो ए नॉट, कुछ समय बाद ये तो घटेगा रिएक्टेंट, टाइम के साथ घटता है, ये अब ए नहीं ए माइनस एक्स, या इसको लिख देते हैं ए टी, ये लिखिए या ये लिखिए बात बराबर, ये लिखिए या ये लिखिए बात बराबर। चलो बच्चों अब देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक ना, क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर 1, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तब है ही, माने है फर्स्ट ऑर्डर का, आर बराबर के ए टू द पावर कितना 1, पावर 1 का तो कोई अर्थ नहीं, वही रह जाए, और करके चलो रेट हम लोग इसको देख करके भी लिखते हैं, देखो यहां लिखे हुए हैं तो वहां से लिख दिए -1/1 dA/dt बराबर क्या चीज के ए, और करके इसको लिख सकते थे 1/1 का तो कोई इफेक्ट नहीं, ए क्या देखो इधर आ जाएगा कि डी टी को उधर लिख चले जाते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो गया -dA/a बराबर क्या चीज के डी टी, ठीक,
अब देखो बच्चों, इसी का एक और नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको? जीरो ऑर्डर में भी इंटीग्रेशन का यूज हुआ था, इसमें भी होगा। इसका नाम है इसीलिए क्या चीज, नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, समाकलन कीजिए या इंटीग्रेट रहने देते। माइनस डीए बाई ए यही ना है, और बटे में भी कुछ है बच्चों, देखो थे हम के डी टी एफ। कहाँ से कहाँ, उस कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ है, ए से ए माइनस एक्स तक। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टी तक, और करके इसका फॉर्मूला भी लिखे थे, डी एक्स बाई एक्स का एल एन एक्स, तो डी ए बाई ए का एल एन ए। मान कहां से कहां तक रखिए, ए से ए माइनस एक्स बराबर, माइनस का जो चिन्ह है वो रहने दिए, के डी टी का टी का है, एक्स डी एक्स का एक्स होता है, मान जीरो से टी तक। पहले कौन सा मान रखते हैं, ऊपर वाला, और घटाव करके नीचे वाला। इसको अगर नहीं पता चल रहा हो तो इससे पीछे बेसिक मैथ में एंटी लॉग है, उसी में इंटीग्रेशन बताएं, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, एल एन ए माइनस एक्स घटाओ करके अब नीचे वाला मान रख दिए, एल एन कौन सा चिन्ह, माइनस का, बराबर के टी पहले घटाओ करके जीरो, और करके अब यही लिखते हैं, माइनस से तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे लिख दिए बच्चों, बराबर के टी, और करके अब देखो लॉग में भाग, घटाव वाले को कैसे लिख सकते हैं, भाग में अभी दर्शाए हैं ये, तो एल एन ए बाई ए माइनस एक्स बराबर के टी, नहीं होती यहाँ लिख दे रहे, लॉग एक्स बाई वाई को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस लॉग वाई, इसी पर बैठा करके इसको लिखें, और करके के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन ए बाई ए माइनस एक्स बटे में टी आ जाएगा। एल एन का मतलब लॉग में बेस ई है, क्या बेस ई को, और करके अब यहाँ लिख दो सबसे लास्ट वाले लाइन को, इसके बाद यहाँ पर लिख दिए, और के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स बटे में क्या टी, यही अपने लॉग का मेन फॉर्मूला है। लॉग ई को किस में बदले, लॉग बेस 10 में, उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से, यही मेन फॉर्मूला। एक बार बोल लेंगे क्या फॉर्मूला आया, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। एक बार और देख लेंगे आप लोग ध्यान से, मान लिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, शुरुआत में ये है कंसंट्रेशन, बाद में ए टी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का है तो ए टू दी पावर वन दिए, के ए पावर वन का कोई अर्थ नहीं, ये कहाँ से लिखे हैं इसको देखकर, माइनस वन बाई वन डी ए बाई डी टी बराबर के, वन बाई वन का कोई ये नहीं, ए यहाँ आ जाएगा डी टी उधर चला जाएगा, इंटीग्रेट किए तो डी एक्स बाई एक्स का एल एन एक्स, तो डी ए बाई ए का एल एन ए होगा, ए से ए माइनस एक्स डी टी का टी, पहले ऊपर वाला मान रखे घटाओ करके नीचे वाला, लॉग में जो भाग में हो घटाओ वाले को कैसे लिख सकते हैं, भाग में या भाग वाले को घटाओ में, वही कर दिए, के का मान लिखे हैं के बराबर, तो टी से भाग लग जाता है, एल एन का मतलब बेस में ई है, ई को 10 में बदले हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही 5 नंबर में वो कहता है वहां तक पूरा करने के, यहाँ पर नाम सबका लिख देते हैं, ठीक, क्या है के का नाम, क्या है रेट कॉन्स्टेंट,
वेग स्थिरांक। टी क्या है? टाइम। मेन लेकिन खेल जो है वो ए और ए माइनस एक्स पर है। ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको अभी और हम लोग समझा देते हैं। प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स क्या है? फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन। क्या है ये फाइनल कंसंट्रेशन? अंतिम सांद्रता, मतलब बचा हुआ। क्या चीज है ये? बचा हुआ सांद्रता। चलिए जा सब बच्चों इधर देख लो उसको। इसके बाद अब देखते हैं यहां पर कुछ उसी के बारे में। आप उसी फॉर्मूले को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 2.303 / t log base 10 ए नॉट, अब बटे में एटी। ऐसे भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है ठीक। चलिए अच्छा, तो हम लोग लिख दिए वैसे। ए नॉट क्या है? शुरू वाला, और एटी क्या है? लास्ट वाला। नोट करके अब देखो बच्चों, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे 90% कंप्लीशन, खूब लिखा रहता है, तो इससे दो चीज समझ में आ गया, 90% खत्म होने के लिए या पूर्ण होने के लिए। ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन में कि रिएक्शन 90% खत्म हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर शुरुआत में 100 मान है, एक हो या इसी को ए नॉट, तो कितना खत्म हो गया? 90%। तो बचा क्या आ गया? तो ए माइनस एक्स जो है वो खत्म होने वाला नहीं है, बचने वाला है। खत्म तो ये घट रहा है एक्स, ए में कितना घट रहा है एक्स, तो कितना परसेंट घट जाएगा? 90%। तो बचेगा क्या? 10। तो ए माइनस एक्स एकदम समझ करके रखना है, ये रिमेनिंग है, बचा हुआ। ए माइनस एक्स जो है ये बचा हुआ सांद्रता, कितना बचता है? लिखता 70% कंप्लीशन, तो आपको समझिए दो वैल्यू दिया हुआ है, ए का मान 100, तो ए माइनस एक्स अब 70 लिख देता है बच्चा, गलती हो जाए, 70 नहीं 30। 80% कंप्लीशन, इसका अर्थ क्या समझोगे? अगर ए का मान है कितना 100, तो ए माइनस एक्स है कितना 80 नहीं 20। ये गलती बच्चे से होता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज, ठीक है बच्चों? चलिए अच्छा, तो अब उसको पहले क्या करना है, हटा दे रहे हैं, अब आगे देखो इसका कुछ ग्राफ भी बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा उस पर थोड़ा अब गौर कर लो, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? पहला चीज, अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू दी पावर वन, आर बराबर के ए टू दी पावर वन। अब देखो बच्चों ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर, और वो ए क्या है? सांद्रता, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या सांद्रता। तो देखो ये किस पर बैठा हुआ है, अगर इस सब में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो बेसिक मैथ पार्ट वन ग्राफ हमारा वीडियो है अपलोड किया हुआ, उसको देख लेना। वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। स्लोप कितना? एम। यहाँ वाई के जगह पर क्या है? आर। एक्स के जगह पर ए टू दी पावर वन। स्लोप इसका कितना बच्चों? एम के जगह पर के है, और स्लोप होता क्या है? यही टेन थीटा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो थीटा है, और उसी के टेन वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं ठीक। एक ग्राफ तो यही है, ग्राफ में भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप क्या करेंगे, हाँ बेसिक मैथ पार्ट वन ग्राफ को एक बार देख लें। चलिए अच्छा, अब दूसरा देखो बच्चों इसी में, और किस तरीके का ग्राफ, सेकेंड ए का पैसा भी देखे हैं अभी, फॉर्मूला क्या पढ़ लीजिए। अच्छा एक बात और, ये ग्राफ किसके बीच है? रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के। रेट ऑफ रिएक्शन और ये पता रखना एकदम जरूरी है, नहीं तब तो चार ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर में, पता कैसे करेंगे कौन सा अपने लोग को खींचना?
ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच। अब दूसरा देखिए किसके बीच, बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए टी, या ए बाई ए माइनस एक्स लिख देते, कोई गलती उसमें था नहीं, टी से इधर आ जाएगा के टी 2.303 इस तरह बराबर लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए टी। अगर आप लोग को ध्यान में हो बच्चों, तो लॉग में अगर भाग के रूप में कोई चीज हो तो उसको लिख देते हैं किसके रूप में, घटाव के रूप में, लॉग बेस 10 ए टी। अच्छा अब और करके लिख दे रहे हैं, क्या देखो इसको इधर ले आओ ना, लॉग बेस 10 एटी हो जाएगा, लेकिन ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के टी प्लस क्या लॉग बेस 10 ए नॉट, और 2.303 को खा गए ना। चलिए बटे में क्या है 2.30, ये भी देखो बच्चों किसी पर बैठा हुआ, एम के जगह पर ये है, एक्स के जगह पर टी है, सी के जगह पर ये है। कैसा ग्राफ इसका, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का, तो ऐसा होता है, यहीं पर खींच दे रहे बच्चों, यहां पर यहां नहीं तो इसको हटा करके तब तो खींच रहे। चलिए ये बैठा है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई के जगह पर क्या लिखे नाम लॉग बेस 10 ए टी, और x के जगह पर बच्चों t। ग्राफ कहां से पास करता है ये, c से, किधर चलेगा ऊपर नहीं नीचे की ओर, काहे नीचे की ओर आएगा, काहे कि स्लोप इसका माइनस में हो तो वो नीचे जाता, स्लोप कितना है इसका माइनस के वाई 2.303, एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल है थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है यहाँ पर स्लोप, तो माइनस के वाई 2.303। सी का क्या नाम है लॉग बेस 10 ए नॉट, ये सी है क्या, तो यही इंटरसेप्ट यहां से यहां तक का वैल्यू है क्या चीज लॉग बेस 10 ए नॉट। ये ग्राफ है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। हम समझते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपने दोस्तों में अगर समझ में आए शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, इसको एक बार अपने घर में पुनः बैठ करके अपने से लिखना है कि एक्सप्रेशन कैसे आया है ये फॉर्मूला पहले, ठीक, उसके बाद तब फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।